हेलो असलियंस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का ये व्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है बिकॉज इट्स प्रोबेबली 5:30 नाउ। आज एक्चुअली मैं बाहर गया हुआ था यूनिवर्सिटी किसी काम से, सो उसके बाद जब मैं वापस आया तो माई बैटरी इज़ नॉट इन दैट कंडीशन कि मैं व्लॉग करूँ, सो इसने भी रेस्ट लिया, फिर मैंने भी रेस्ट लिया। उसके बाद नाउ आई एम सो बाल थोड़े बुरे हो रहे हैं, थोड़े नहीं एक्चुअली बहुत बुरे हो रहे हैं, सो लेट मी फिक्स देम फर्स्ट। यस, थोड़े से बेटर हुए पर सही है आज के लिए। हेलो हेलो, एक्चुअली मैं अपने आप को जगाने के लिए ऐसी बेतुकी हरकतें कर रहा हूँ, सॉरी इफ यू डोंट माइंड। यू नो इट्स आइदर डे और आइदर नाइट, इट कैन नॉट बी बोथ ऑफ देम एट अ वन टाइम, बट आई थिंक यू शुड हैव अ लुक एट दिस। सी दिस, इट्स नॉट नाइट एट ऑल, बट एट द सेम टाइम द सन, सॉरी द मून इज अप इन द स्काई। I don't know what it means, but yeah. Anyway, Aslanians, so it's evening today. Today is evening now. It's evening time and I am here walking through in the lawn in only and only a single t-shirt plus a trouser. Guts, you know, kya kehte hain isko? Whoa, many crows are going through air, spending time with the family plus environment gathering. And have you ever experienced of making some sort of noise of music with your only epiglottis and not moving your tongue? No, I will show you. See. It's funny? No? Okay, sorry. Actually, it's really, really अच्छा weather. So, I'm thinking के थोड़ा सी photos ले ली जाए, थोड़ी सी photography की जाए। यार ये दूसरी दफ़ा हुआ है, सारी की सारी girls पहले यहाँ जाती हैं, एक साथ झुमकट्टा मार के एक साथ चिल्लाती हुई उधर जाती हैं। कुछ तो चल रहा है ऊपर, ये देखना पड़ेगा। I have to see. I watch out you. आफ्ताब हो गया है। डू यू नो व्हाट द मीन ऑफ गुरु बे आफ्ताब? मैं बताता हूँ, देखो इसका मतलब होता है गुरूब मतलब डूबना और आफ्ताब मतलब आफ्ताब कौन आफ्ताब एक सेकेंड नो आफ्ताब मतलब आसमान को कहते हैं बेसिकली, बट गुरूब आफ्ताब का मतलब जब सन was falling down or something like that, so it means غروب آفتاب مطلب رات ہو رہی ہے, simple. Yeah, چھوڑو. So if you are a regular viewer, you know that I love doing photography, so I'm thinking کہ why not I shoot some night photos
सो बेसिकली आई एम थिंकिंग कि मुझे नाइट फोटोशूट थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए. सो आई एम गोइंग आउटसाइड एंड इट्स नाइट टाइम. सो आई एम गोइंग टू टेक सम फोटोज एट नाइट लाइटिंग. एक्चुअली इन नाइट फोटोग्राफी यू हैव टू इंश्योर दैट द लाइटनिंग इज गुड, योर शॉट इज एक्यूरेट एंड योर एंगल इज have to be more effective than daylight. So I'm thinking let's make it more funny and more crazy only for you as lady. And I am going to do some night photos with these shades. Yes, actually I am going to put these shades in front of the camera and create a very effective and new night vision. Are you down? I know, let's begin! Okay, it's too cold out there. Okay, so we are here and I am sure yaar ye hota hai yaar outdoor mein na noise ka bahut problem. So I have these glasses, one is red, the other one is brown, and the last one is pink. So let's do it. So first of all main normal photo lunga, uske baad I will be taking the photo with shades. So check करते हैं comparison किस तरह का है और क्या quality रहती है, कैसी lighting setup होती है and all that. Okay, Azlanians. So shoot is almost done. So अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने shoot actually क्या किया था. This picture is a normal, मतलब ये जो है वो first picture जो मैंने ली थी without any edit and without any filter. So ये picture मैंने 3-4 के angle पे ली थी and landscape mode था और lightning जैसी है उसी तरह की है इस picture में, कोई मैंने changing नहीं की थी. And this one is edited one which is of red shade. ये red shade इसमें जब मैंने वो glass अपना सामने रखा था सो उसके बाद ये वाली पिक्चर आई है. एंड दिस वन आई थिंक लुक्स प्रीटी मच फेड, प्रीटी मच नाइट विजन इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा वैसे, मतलब ये नाइट विजन वाली आपको फील दे रही है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस वन इज द सेकेंड विच इज ऑब्वियसली विदाउट एडिट और दिस वन इज विद एडिट. और ये पिक्चर मैंने पिंक शेड से ली थी और इसमें एक्चुअली कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया, बट ऑब्वियसली लाइट पिंक शेड था. सो दिस पिक्चर इज प्रीटी मच गुड, मतलब मुझे पर्सनली ओके लगी है, गुड बट नॉट मच गुड एंड मोर देन इनफ. सो या लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस वन, ये भी विदाउट एडिट एंड दिस वन इज विद एडिट. ये मुझे सीरियसली बहुत ही कोई हॉरर सा लुक दे रही है, बिकॉज जब मैंने इसको शूट किया था सो आई वॉज लाइक व्हेन आई पुट द शेड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आई वॉज लाइक ओहो मैन, क्योंकि ये एक्चुअली नॉर्मल जो फोटो थी उससे बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई है. इसमें सारी लाइट्स डिम हो गई हैं और ये काफ़ी उसका इफेक्ट दे रही है, कोई हॉरर फिल्म जैसे एक लाइट जल रही है और बैकग्राउंड ऑलमोस्ट ऑल ब्लैक आउट है. सो दिस वन इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट, ही मुझे बहुत आला लग रही है. सो बिफोर आई एंड दिस व्लॉग एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जितनी भी मैंने पिक्चर्स ली हैं नाइट मोड की वो सारी 3-4 के एंगल पे ली हैं लैंडस्केप में और कोई भी एक्स्ट्रा इसमें कोई एफर्ट मैंने नहीं की है मैं इसको एंगल चेंज करूं या मैं इसको कोई और लुक दूं इस फोटो को, बिकॉज
मेरा इंटेंशन जो था इस व्लॉग का वो ये था कि मुझे सिर्फ कलर्स चेक करने हैं कि फिल्टर शेड्स के, हम लोग जब ग्लासेस पहनते हैं तो हमें हर चीज़ उसी तरह नज़र आना शुरू हो जाती है। तो मुझे इसी से एक आइडिया आया था कि वाई नॉट शुड ट्राई दिस विद नाइट विजन फोटोज़, ये किस तरह की लुक लगती है। सो मुझे सिर्फ इसमें कलर्स चेक करना था एंड या आई हैव डन अ ग्रेट जॉब आई थिंक। So that's it, Aslanians, and please, I recommend you, please comment down below which one is your favorite one. My is first and third one. So this was the end of this vlog and hope you guys really enjoyed it. I will catch you guys as always in the next vlog. यू नो हेयर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, हेयर्स को सेट करना, बिकॉज हेयर्स आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है। एक यस है, उठा भी सकता है गिरा भी सकता है।